वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा। इस क्यूज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाउडी मोदी रैली कहाँ आयोजित होगी। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम क्या है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, 32 इयर्स एंड हीलिंग। इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में ब्रिज नाम से एक ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, MG मोटर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एथलीट मयंक वेद ने वर्ल्ड की सबसे कठिन रेस एंडोरोवन ट्रायथलन को कितने समय में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 50 घंटे और 24 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दिस्कित गांव में किस बैंक ने अपनी नई शाखा खोली है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओप्पो कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सर्स का अधिकार किस कंपनी को बेच दिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, बायजू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने चीन के फेई जियांग सुन को हराकर वियतनाम ओपन खिताब जीत लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, सौरभ वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर लगातार कौन सी बार एशिया कप जीत लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्र रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप।
इसका आंसर है सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ए, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, धोलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, राष्ट्रपति को। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कल मिलते हैं इसी टाइम अगली क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।